अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। आज इसका टॉपिक है 3.4 द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम जो है उनमें फर्स्ट जो है वो है किंगडम मोनेरा, सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा डिस्कस करते हैं। हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मींस कि वो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, वन सेल। नेक्स्ट है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, मींस दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये चेन्स, क्लस्टर्स या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होती है इनकी, कि ये इस तरह चेन्स, क्लस्टर्स या कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट बात है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स, इट्स मीन कि वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि जो फोटोसेंसिस की से अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद है तो ये मस्त है कि वो फोटोसेंसिस से अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इनको हम ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहते हैं। सेकंड किंगडम जो है वो है प्रोटिस्टा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सारे यूकैरियोटिक्स होते हैं, मींस के इनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मींस एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट ये है सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मीन ये सिंपल होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर है, मींस के दो से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। इसकी जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एल्जी, सेकंड प्रोटोजोआ और थर्ड है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एल्जी जो है अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो एल्जी जो है वो यूनिसेलुलर होती है और कॉलोनियल फॉर्म में होती है, कि कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकल्स। और इसके अलावा इनमें जो प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मीन इस वजह क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मदद से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती हैं। प्रोटोजोआ जो है ये भी एनिमल लाइक होते हैं लेकिन इनमें लैक ऑफ सेल वॉल होता है, कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती। कुछ जो प्रोटिस्ट हैं वो फंजाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटाई। प्लांटाई की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मोर देन कंपोज ऑफ मोर देन टू और थ्री सेल्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, फोटोसेंसिस के जरिए ये जो प्लांट्स हैं अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये अपने लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनाते हैं। किंगडम प्लांटाई में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनमें मोसीज हैं, फर्न्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। फंजाई जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं, मींस ट्रू न्यूक्लियस है इनके पास, मल्टी सेलुलर हैं और हेटरोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, ये डीकम्पोजर्स होते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया ये जो है ये भी यूकैरियोटिक्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और कंज्यूमर है। कंज्यूमर्स यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स मींस के अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा है एनिमल्स लीव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज, दे लैक सेल वॉल्स एंड शो मूवमेंट्स। इनमें सेल वॉल भी नहीं होती और ये मूवमेंट शो कराते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।